यह बात उस समय की है जब बुद्ध प्रतिदिन अपने भिक्षुओं को प्रवचन दिया करते थे। एक दिन सुबह बुद्ध प्रवचन देने के लिए अपने भिक्षुओं के पास आते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। बुद्ध अपने आसन पर बैठ जाते हैं और सभी भिक्षुओं को देखने लगते हैं। सभी भिक्षुक बुद्ध को देख रहे होते हैं और बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को देख रहे होते हैं। ना तो बुद्ध के भिक्षुक और ना ही बुद्ध एक शब्द बोलते हैं। बहुत देर चुप बैठे रहने के बाद बुद्ध अपने हाथ में एक कमल का फूल लेते हैं और अपने सभी भिक्षुओं को दिखाते हैं। बुद्ध के सभी भिक्षुक बुद्ध के हाथ में कमल का फूल देख आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि बुद्ध उस कमल के फूल के बारे में अपने भिक्षुओं को कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। बस अपने भिक्षुओं को उस कमल के फूल को दिखा रहे होते हैं, मानो बुद्ध कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हों। परंतु बुद्ध के सभी भिक्षुक यह समझ नहीं पाते। बुद्ध एक एक कर अपने सभी भिक्षुओं को उस कमल के फूल को दिखाते हैं, परंतु कोई भी भिक्षुक यह समझ नहीं पाता कि बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षुक उस कमल के फूल को देखकर रोने लगता है। बुद्ध उस रोते भिक्षुक को देख अपने आसन से खड़े हो उस भिक्षुक के पास जाते हैं और उसे वह कमल का फूल दे देते हैं। जिस बात को कहने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे, उस बात को बुद्ध के भिक्षु ने बिना शब्दों के समझ लिया। आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि बिना कुछ कहे भला हम अपने प्रश्न का उत्तर कैसे पा सकते हैं या कुछ कैसे समझ सकते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी में है। एक बार एक दार्शनिक बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध मैं लगभग इस पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ, बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ, परंतु कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सका है। अब मेरी आखिरी उम्मीद आपसे ही है। लोग कहते हैं कि आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। मैं भी अपना एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर है। मैंने आज तक जिससे भी पूछा है कि ईश्वर है या नहीं, सभी के उत्तर दो पक्ष में थे। कुछ ने कहा ईश्वर है, परंतु वे साबित नहीं कर सके। कुछ ने कहा ईश्वर नहीं है, परंतु वे भी साबित ना कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे बताइए क्या ईश्वर है। बुद्ध उस दार्शनिक की बात सुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में जानना भी चाहते हो कि ईश्वर है या नहीं, या फिर यह तुम्हारे मन की मात्र जिज्ञासा है। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, मैंने अपना पूरा जीवन इसी प्रश्न के लिए समर्पित कर दिया है। आप यह कैसी बात कर रहे हैं, मैं सच में जानना चाहता हूँ इस प्रश्न का उत्तर। बुद्ध कहते हैं, तो फिर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, परंतु पहले ये बताओ कि क्या दाव पे लगाने के लिए कुछ है। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध कहते हैं, क्योंकि प्रश्न इतना बड़ा है और गहरा है, इसलिए दाव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास कुछ बड़ा होना चाहिए, तभी तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, क्षत्रिय हूँ, दाव पर लगाने से
नहीं डरता। चाहे जीवन ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, परंतु अपने प्रश्न का उत्तर पाके रहूंगा। वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, सब कुछ लगाऊंगा दांव पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। जिस प्रकार आप क्षत्रिय हैं, उसी प्रकार मैं भी क्षत्रिय हूँ, कृपया मुझे चुनौती ना दें। बुद्ध कहते हैं, चुनौती देना ही मेरा काम है। वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, तो कहिए क्या दांव पर लगाना होगा मुझे। बुद्ध कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 साल मेरे पास चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द मुंह से नहीं निकालना, कोई प्रश्न नहीं पूछना, बस चुपचाप बिना कुछ बोले मेरे पास बैठे रहना है। पूरे 2 साल बाद मैं ही तुमसे पूछूंगा, पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है, परंतु पूरे 2 साल तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, कोई जिज्ञासा नहीं जताओगे, बस चुपचाप बैठे रहोगे। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक डरता है और मन ही मन सोचता है, क्षत्रिय हूँ, जान तो दे सकता हूँ, परंतु 2 साल तक बिना कुछ बोले कैसे बैठूंगा। अगर जान देने की बात होती तो कुछ क्षण में खेल खत्म हो जाता, परंतु यहाँ तो 2 साल तक बिना कुछ बोले चुप बैठना है। कई बार जान देना ज़्यादा आसान होता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके ऐसे आ गए हैं जिनसे कुछ सेकंडों में जान जा सकती है, परंतु यह सौदा कुछ महंगा था, क्योंकि इसमें कोई वीरता जैसा काम नहीं था। पर क्योंकि अब वह दार्शनिक कह चुका था कि जो भी दांव पर लगाना होगा वह मैं लगाऊंगा, तो अब पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसे मजबूरन तैयार होना ही पड़ता है। वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही वह दार्शनिक बुद्ध से कहता है मैं तैयार हूँ, पास ही में एक भिक्षुक बैठा होता है, वह उस दार्शनिक की बात सुन हंसने लगता है। वह दार्शनिक उस भिक्षुक की हंसी सुन उस भिक्षुक से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम क्यों हंस रहे हो। वह भिक्षुक उस दार्शनिक से कहता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम फंस चुके हो, ठीक इसी तरह मैं भी यहाँ इसी प्रश्न की खोज में आया था, बुद्ध ने मुझे भी 2 साल तक चुप बैठने के लिए कहा, और अब देखो मेरे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। खबरदार, अगर पूछना चाहते हो कोई प्रश्न तो अभी पूछ लो, अगर 2 साल तक चुप बैठे रहे तो फिर कोई प्रश्न ही ना बचेगा, फिर तुम कुछ पूछ ही ना सकोगे, अगर पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। बुद्ध उस दार्शनिक से कहते हैं, मैं अपने वादे पर पक्का रहूंगा, अब से 2 साल बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक सोचता है कि इतने साल बर्बाद किए हैं, 2 साल और सही, क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध उस दार्शनिक से कहते हैं, तुम विश्वास करो, अब से 2 साल बाद तुम मुझसे पूछो ना पूछो, मैं तुमसे जरूर पूछ लूंगा कि क्या तुम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो। बुद्ध की बात मान वह दार्शनिक 2 साल तक बिना कुछ बोले चुपचाप बुद्ध के पास बैठा रहता है, ध्यान मग्न हो जाता है। 2 साल पूरे होने के बाद बुद्ध उस दार्शनिक से कहते हैं, मेरा दिया हुआ समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम मुझसे
पूछ सकते हो। बुद्ध की बात सुन वह दार्शनिक हंसने लगता है और बुद्ध से कहता है, ठीक कहा था उस भिक्षुक ने कि अगर कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो, 2 साल बाद कुछ नहीं पूछ पाओगे। सच बताऊं, मेरे भीतर अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। अब मैं आपसे क्या पूछूं? जो जानने योग्य था वह तो मैं जान गया हूं। 2 साल चुप रहने से ही मेरे सभी प्रश्न खो गए। मैं जान गया जो जानने योग्य था। इतना कहकर वह दार्शनिक बुद्ध के चरणों में अपना सर रख देता है। परम ज्ञानी इसी तरह उत्तर देते हैं। जरूरी नहीं हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में दिया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर शब्दों में दे पाना संभव नहीं होता। धन्यवाद।